छत्तीसगढ़ का उधमसिंह टाइगर रिजर्व में ओडिशा के घुसपैठिए कब्जा जमा रहे हैं। इससे न केवल करोड़ों का वन संपदा नष्ट हो रही है बल्कि वन्य जीवों की जान को भी खतरा बना हुआ है। यहाँ जंगल के पेड़ काटकर उड़ीसा के लोग बस गए थे। जब ये जानकारी शासन तक पहुंची तो हड़कंप मच गया और सवाल उठने लगे कि क्या उधमसिंह टाइगर रिजर्व धीरे धीरे उड़ीसा ऑक्यूपाइड छत्तीसगढ़ बनता जा रहा है। लोग ये बात अब एक नए खुलासे के बाद करने लगे हैं। ये खुलासा है कि उड़ीसा के लोग उधमसिंह टाइगर रिजर्व में अवैध कटाई करके बड़ी संख्या में घुसपैठ करके बस रहे हैं। ये तस्वीरें 28 सितंबर की हैं। जगह है रायपुर में वन मंत्री मोहम्मद अकबर का बंगला। रात को करीब 11 बजे उधमसिंह टाइगर रिजर्व के पास रहने वाले धनरवा गांव के लोग यहां पहुंचे। ग्रामीणों ने उधमसिंह के जंगल को बचाने की फरियाद वन मंत्री से की। जिस जंगल को लेकर शिकायत की गई वो उधमसिंह टाइगर रिजर्व का कंपार्टमेंट नंबर 1204, 1205, 1206 और 1210 का हिस्सा है। इन ग्रामीणों ने शिकायत की तो छत्तीसगढ़ के जंगलों में निवास कर रहे 26 ओडिशा वालों को गिरफ्तार किया गया था और जांच में ये भी पाया गया था कि करीब 225 पेड़ उधमसिंह के हल्दी कछार इलाके में अवैध तरीके से काटे गए हैं। धनाराव गांव के लोगों की शिकायतें सही पाए जाने के बाद ये लाजमी था कि उनकी अन्य बिंदुओं पर हुई शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि शिकायत छत्तीसगढ़ की शान माने जाने वाले जंगली भैंसों और टाइगर की मौजूदगी वाले उधमसिंह रिजर्व को लेकर थी। शेष जिन बिंदुओं पर धनरवा गांव के लोगों ने शिकायत की थी वो एक साजिश का खुलासा करती है, जिसमें फॉरेस्ट के कुछ लोग, वन प्रबंधन समिति, जनप्रतिनिधि मिलकर छत्तीसगढ़ के जंगलों को लूट रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में गरियाबंद जिले के मैनपुरी इलाके में रहने वाले, वहां के जंगलों में रहने वाले आदिवासी और दूसरे समुदाय के लोग यहां पे पहुंचे हैं। इन लोगों ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर से गुहार लगाई है। गुहार है जंगल बचाने की, और जंगल बचाने की गुहार उड़ीसा के लोगों से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से, जो हजारों एकड़ की जंगल को पूरी तरह से साफ कर चुके हैं। इनका कहना है कि ये खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है। इन लोगों ने इसकी शिकायत की लेकिन शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अब उड़ीसा के लोग इन्हें धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और इसी बात को लेकर के, कार्रवाई की मांग को लेकर के एक बार फिर से ये वन मंत्री के पास पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं, क्या मामला? कमल से है साहब, मैं ग्राम पंचायत धनोरा से आते हैं, विकास खंड मैनपुर है साहब, जिला गरियाबंद है सर। तो मैं जंगल बचाने के लिए आए हैं सर, और जंगल सुरक्षा ठीक करके मैं रखूंगा बोल के आए हैं सर, और जल और जमीन और जीवन जो है हमारा है साहब, उसको हम बचाने चाह रहे हैं सर। उसको हम उड़ीसा वाले जो आके बैठे हैं इसको भगाएंगे साहब। हम जो छत्तीसगढ़ वाले को परम था दिया जाए साहब, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर है साहब, उसमें धनोरा से जाकर के जंगल बचाने से वो जंगल बचने नहीं सक रहा है सर। हमको निकेन उड़ीसा बॉर्डर और छत्तीसगढ़ आदमी, हम निकेन बॉर्डर में हमको सो झोपड़ी को यहाँ हमको बासिंदार दो साहब, तब हम यहाँ बैठ करके हम लोग जो जंगल बचाएंगे हजूर, और जंगल सुरक्षा अच्छा ढंग से रखेंगे हजूर। कौन कौन बर्बाद कर रहा है इन जंगलों? ये जंगल को जो है फॉरेस्टी लोग, विभागी वाले लोग, जो सरपंच कोटवार लोग, ये बिगाड़ रहे हैं हजूर। तो अभी आप लोगों ने शिकायत की है वन मंत्री से, वन मंत्री ने क्या कहा? वन मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कड़ी कार्यवाही की जाएगी और उड़ीसा प्रांत से जितने भी लोग आकर के वहाँ अवैध कटाई कर रहे हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन मंत्री द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हम समस्त ग्रामवासियों द्वारा यह कहना है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी जमीन है उन्हें अवैध कटाई, उड़ीसा से आए हुए लोग आकर के अवैध कटाई कर रहे हैं, जिससे हमारा अभी 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 कितना जंगल कटा हुआ है, कितना जंगल अभी सर अभ्यावरण अंतर्गत में 20,000 हेक्टेयर जमीन से ज्यादा कटा हुआ है सर। 20,000 हेक्टेयर? जी सर। कितने पेड़ होंगे, कटे होंगे? उसका तो अनगिनती है, तीन रेंज पड़ता है, धुरियागुड़ी, इंदागांव और करलाझेर, तीन रेंज है सर। हाँ, ये पूरा जंगल साफ है? पूरा जंगल साफ है, अभ्यावरण वहाँ है कि नहीं है। तो अभी कितना
आप बता रहे थे कि पेड़ भी वहाँ पे कटे पड़े हैं। पेड़ अभी कटा पड़ा है सर, कई हजार पेड़। कई हजार पेड़ पड़े हैं? हाँ, कटे हुआ है वहाँ। तो इन पेड़ों को क्या करते हैं? पेड़ों को वो लोग जला देते हैं, हर फसल कमाते हैं। अच्छा, पहले पेड़ों को जलाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से अभी फसल उगा रखी है? हाँ, अभी उगा रखी है सर आधा। अच्छा, तो आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की इससे पहले? शिकायत की थी जी सर, इसके बारे में बहुत बार हम लोग शिकायत भी किए थे उस गांव के समिति वाले और फॉरेस्टर ने। फॉरेस्टर वाले भी जाकर के वहाँ जब्ती भी किए और बाद में उसको कैसे करके उनको रोकथाम कर दी, जबकि उनको जब फसल उगाया था, वह मक्का लगाए थे, कुलती उड़ाद वगैरह सब लगाए थे, उनको जब्ती भी किए, बल्कि उनको कार्रवाई किए कि नहीं, और अंत में फिर उनको निपटारा कर दे रहा था। तो अभी कैसे कर रहे हैं, ये भी बात सामने आ रही है कि जमीन बेची जा रही है, क्या मामला है? जमीन जो बेचे जा रहे हैं वहाँ पर जो मिले जुले भगत होने के कारण फॉरेस्ट और वहाँ के अन्य कर्मचारी समिति, ये लोगों को मिले जुले भगत से ही जंगल बेचना चालू कर दी है। ये कैसे बेच कैसे रहे हैं? फॉरेस्ट की जमीन कोई कैसे बेच सकता है? ये लोग लालच के कारण, ये लोग फॉरेस्टी लोग सब पैसा के कारण ये जंगल को बिना अनुमति से उन लोग बेच रहे हैं हजूर। अच्छा, जंगल को बेच रहे हैं ऐसी, तो उनको जंगल कैसे मिलेगा, क्या प्रावधान है? कोई प्रावधान तो है नहीं। जंगल की अवैध कटाई की जा रही है, बेचने के संबंध में मुझे ज्ञान नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी है? हाँ, जमीन इसलिए बेचा जा रहा है, वो लोग को वन भूमि अधिकार पट्टा देंगे बोल के लालच में पैसा ले करके और वो लोग ओडिया लोग को बैठा रहे हैं। अच्छा, ये शिकायत इससे पहले भी आई थी और हाईकोर्ट ने पट्टा बांटने पर इसके बाद कुछ समय के लिए रोक भी लगाई थी, हालांकि वो देख सकते हैं कि महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, बच्चों को लेकर के पहुंची हुई हैं, इन महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग क्या चीज शिकायत लेकर पहुंचे? अच्छा, ग्रामीण है इसलिए थोड़ा सा शर्माते हैं, आप लोग बोलेंगे बताएंगे आप? चलिए, वो लोग बात नहीं कर पाएंगे, हम पुरुषों से ही बातचीत करते हैं। तो अब आगे क्या होगा, आप लोगों ने शिकायत कर दी वन मंत्री से, अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा सर, कि इन लोग को पूरा कार्रवाई होना चाहिए और उन लोग को नीचे में सीधा नीचे में कार्रवाई करना चाहिए हजूर, और हमको यहीं पर रोड दिया जाए साहब, और वहीं पर हमको नखा दिया जाए साहब, वो जो सीमा है साहब, सीमा में नीचे में जो सीमा चेकिंग करके जाए, सीमा में जाली लगना। अच्छा, ये लोग मारपीट भी करते हैं? ये लोग मारपीट भी करते हैं साहब, टंगली ठेंगा बाड़ी लेके कई 200-300 लोग आकर के हमको मार पीट करके भगा रहे हैं सर। तो ये बड़ा विचित्र मामला है कि छत्तीसगढ़ की सीमा पर छत्तीसगढ़ के जंगल को उड़ीसा के लोग आकर के काट रहे हैं, उसके बाद वहाँ की जमीन पट्टे के नाम पर बेची जा रही है, उड़ीसा के लोगों को बसाया जा रहा है, वो लोग फसल ले रहे हैं, और जब छत्तीसगढ़ के लोग विरोध करते हैं तो उस मामले में इनको डराया धमकाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि वन मंत्री से इन्होंने शिकायत की और वन मंत्री ने बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बड़ी संख्या में वन के बड़े अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ एक बड़ी कार्रवाई इस मामले में करने जा रहे हैं। दो शिकायतों की पुष्टि के बाद विभाग को अब ये जानना था कि क्या वाकई धनौरा पंचायत के ही आश्रित गांव पीपलखुटा के वन प्रबंधन समिति के लोगों ने ओडिशा के लोगों को जंगल काटने में सहयोग दिया। आरोपों के घेरे में पीपलखुटा के सरपंच नीलांबर और वहां के रेंजर गंगवैर भी थे। क्या ये सही है कि रेंजर और सरपंच की मिली भगत से उदंती के जंगलों की कटाई हुई और वहाँ उड़ीसा के लोग बसे? ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि उड़ीसा के लोगों को बसाने और वनाधिकार पट्टा दिलाने के नाम पर उनसे 10-10 हजार रुपए लिए गए। ग्रामीणों का कहना था कि जो कार्रवाई वन विभाग ने अब तक की है वो इस इलाके में चल रहे गोरख धंधे की गंभीरता को सामने नहीं ला रही है। वन विभाग ने छोटे से इलाके में कार्रवाई की है। वन विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि 5 हेक्टेयर का क्षेत्र काटा गया है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि सैकड़ों हेक्टेयर जंगल नष्ट कर दिए गए हैं और ये सिलसिला
सालों से चल रहा है, तो क्या ये आरोप सही है? ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि इस मामले में एक जनप्रतिनिधि की भूमिका भी संदिग्ध है। ग्रामीणों की माने तो उसके ही संरक्षण में जंगल काटने और उड़ीसा वालों को बसाने का खेल चल रहा है, तो क्या इस खेल को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है? इन आरोपों के मद्देनजर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मामले की व्यापक जांच के आदेश दिए। आरोप बेहद गंभीर थे और मामला बेहद संवेदनशील था। इस मामले में बड़ा पेच ये था कि जिन लोगों ने शिकायत की थी उनमें से कुछ लोग पहले खुद जंगल के आरोपी रह चुके हैं, लिहाजा वन विभाग ने APCCF देवाशीष दास की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई और मीडिया को अपने साथ ले जाकर हालात का जायजा लेने का फैसला किया गया, ताकि जंगल की असलियत सामने आ सके। रुपेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस, हल्दी कछार, उदंती टाइगर रिजर्व, गरियाबंद। उदंती की सच्चाई क्या है? जो आरोप धनोरा गांव वाले लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई उड़ीसा के लोगों ने फॉरेस्ट के कर्मचारियों को और वन प्रबंधन समिति के लोगों से साजगाट करके जंगल की तस्करी करके छत्तीसगढ़ की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? ये जानने के लिए फॉरेस्ट की टीम मीडिया के लोगों के साथ रायपुर से उदंती के लिए रवाना हुई। जिस इलाके में मीडिया को जाना था वो नक्सल प्रभावित था। नक्सलियों की आवाजाही वहां अक्सर बनी रहती है। इसके अलावा घटना स्थल से 60 किलोमीटर पहले संचार व्यवस्था खत्म हो जाती है और इसके बाद भी फॉरेस्ट की टीम मीडिया के प्रतिनिधियों को लेकर ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हुई। इस टीम में APCCF देवाशीष दास, CCF वाइल्ड लाइफ HL रात्रे शामिल थे। इस टीम में हमारे साथ राजनीतिक संपादक रुपेश गुप्ता और कैमरामैन रेखराम देवांगन दो दिन तक जंगलों में घूमे और जंगलों की अवैध कटाई, अवैध बसाहट का जायजा लिया। देखिए इनकी खास रिपोर्ट। इस वक्त हम उदंती टाइगर रिजर्व में हैं और खास बात यह है कि यहाँ के ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले वन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में बताया था कि सैकड़ों एकड़ जंगल साफ कर दिए गए हैं और ये पूरा जंगल कई सालों से साफ किया जा रहा है और उस जमीन पर उड़ीसा के लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो आज हम उसी जगह पर जा रहे हैं और जायजा लेने की कोशिश करेंगे, वहां के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस टाइगर रिजर्व के बफर जोन में किस तरीके से उड़ीसा के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। हालांकि ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और उस इलाके में जाएंगे, वहां के शिकायतकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जिन लोगों ने वहां पर कब्जा किया है उसकी तहकीकात भी करेंगे। गरियाबंद पहुंचकर आरोपों की जांच करने वाली टीम ने तय किया कि पहले किस जगह पहुंचना है। ग्रामीणों से बात करने के बाद यह तय हुआ कि घटना स्थल पर टीम सबसे पहले पहुंचेगी, जहां ग्रामीण भी पहुंचेंगे। सबसे पहले सफर फोर व्हीलर से शुरू हुआ। फोर व्हीलर के सहारे टीम करलाझार पहुंची। इस वक्त हम उदंती टाइगर रिजर्व के अंदरूनी इलाके में हैं। यहां से हमें अभी और सफर करना बाकी है। उदंती जो है वो बेसिकली टाइगर रिजर्व है, यानी कि शेरों के लिए, बाघों के लिए आरक्षित जगह है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि वन भैंसा जो कि राजकीय पशु है छत्तीसगढ़ का, वो उदंती में ही पाया जाता है। दो प्रमुख नदियां हैं यहाँ की, उदंती और सीता नदी, जिसके नाम पर ये टाइगर रिजर्व है और इसके इलाके उड़ीसा से लगते हैं। करलाझार से आगे का सफर चार पहिए वाहन में मुमकिन नहीं था। यहाँ से आगे का 5 किलोमीटर का सफर घने जंगलों में बाइक से तय करना था, जिसके लिए बाइक के इंतजाम नदी के उस पार किए गए थे। इस वक्त हम उदंती के करलाझार के पास उदंती नदी के किनारे पर मौजूद हैं। यहाँ से अब हमारा सफर बाइक में शुरू होगा, क्योंकि इसके आगे कार नहीं जा सकती है। इस नदी को पैदल पार करना होगा और उसके बाद हम उस इलाके में पहुंचेंगे जहां पर शिकायत लगातार अवैध कटाई की मिल रही है, अवैध बसाहट की मिल रही है। हम आपको बता दें कि उदंती टाइगर रिजर्व जो है वो पूरे 1885 किलोमीटर के आसपास के एरिया तक फैला हुआ है। करलाझार में चार व्हीलर से उतरकर फॉरेस्ट की टीम और मीडिया वालों ने घुटनों तक बहने वाली उदंती नदी को पार किया। रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, लिहाजा पानी और बिस्किट के पैकेट सफर के लिए रख लिए गए थे और इसके बाद बाइक से सफर शुरू हुआ।
अब हम लोग उस इलाके की तरफ पहुंच रहे हैं जहां पर अवैध कटाई हो रही है और करीब 5 किलोमीटर का रास्ता हमें इसी तरीके से बाइक से पूरा करना होगा और उसके बाद करीब 2 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी होगी। हमें उदंती नदी घूम करके जहां पहुंचती है वहां पहुंचना है और वहां के बाद हमारा पैदल का सफर शुरू होगा। बाइक पर सफर शुरू करने के कुछ देर बाद ही हमें कई जगह कटे हुए पेड़ देखने शुरू हो गए, लेकिन जिस जगह को लेकर के शिकायत की गई थी उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें उदंती के किनारे एक बार फिर से पहुंचना था। जंगलों के बीच घूम घूम कर बहने वाली उदंती के किनारे तक हम पहुंच पाते उससे करीब 1 किलोमीटर पहले बाइक के रास्ते पर कीचड़ नजर आने लगे। 2 दिन बारिश की वजह से वहां से आगे बढ़ना बाइक पर मुमकिन नहीं था, लिहाजा वहां से पैदल चलने का फैसला किया गया। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम फिर से उदंती के किनारे पहुंचे और नदी पार करते हुए हमने रायपुर से आए APCCF देवाशीष दास और CCF वाइल्ड लाइफ HL रात्रि से बात करके मामले को उनकी नजर से समझने की कोशिश की। एक बार फिर से हम उदंती नदी को पार करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से पैदल का सफर शुरू होगा। हमारे साथ फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी भी हैं, APCCF साहब हैं। सर दास साहब, ये बताइए कि ये जो कार आप लोग जा रहे हैं, क्या कुछ शिकायत मिली? नहीं, हमको जो अभी सूचना है कि उदंती सीधा नदी अभयारण्य में बाहर से लोग आकर के कुछ अवैध कटाई कर अतिक्रमण की चेष्टा कर रहे हैं, तो ये सूचना है जिसमें हमको विभाग के उदंती सीधा नदी अभयारण्य से जुड़े अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई है और हम यहाँ आकर के देख रहे हैं कि स्थिति किस प्रकार की है और उसमें क्या कार्रवाई की गई है और उसमें विभाग को और क्या कार्रवाई करनी होगी, ये इसकी हम पड़ताल करने आए हैं। CCF साहब हैं, उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि आप लोग पहले भी टीम भेज करके यहाँ पे कार्रवाई कर चुके हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी 19 तारीख और 20 तारीख को टीम भेजे गए थे रायपुर से, मैंने फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी भेजा था, वो 20 तारीख को आई थी और इसके अलावा यहाँ का जो स्टाफ है वो भी आए थे। 20 तारीख को आकर के पूरे क्षेत्र को जो जितने पेड़ कटे हुए हैं उसकी गिनती की गई है, हैमर लगाया गया है और उसके साथ ही जो लोग काटने वाले जो थे, जो उड़ीसा प्रांत के थे 26 लोग, उनको पकड़ करके अरेस्ट करके ले गए थे और उनको फिर 21 तारीख को उनका चालान पेश किए हुए हैं जो अभी जेल में। नहीं, इसके अलावा ये भी जो शिकायत की है गाँव वालों ने, उसके मुताबिक सैकड़ों एकड़ जंगल और ये खेल लंबे समय से चल रहा था। ये बात तभी, जैसे कि हम अभी जो कटे हैं उसकी अगर बात करें तो उसमें लगभग 3 हेक्टेयर के आसपास है, 3 हेक्टेयर मतलब कह लीजिए आप 7.5 हेक्टेयर एकड़ के आसपास। और इसके अलावा निश्चित रूप से मतलब बीच बीच में ये सब घटनाएं घटते रही है, लोग जैसे जेल भेज देते हैं, इसके बाद फिर जब वहाँ से उसमें आते हैं पैरोल में आते हैं तो फिर से वो ये प्रयास करते हैं। नहीं सर, एक चीज़ ये बड़ा सवाल है कि इतने लंबे समय से अगर इतने बड़े एरिया को काटा गया है तो जाहिर है कि 2-4 महीने में तो काटा नहीं हुआ, कई सालों से ये खेल कर चल रहा होगा, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? नहीं, चलते रहता है, कार्यवाही भी कर रहे हैं, जितने केस हुए हैं अवैध कटाई के सभी केस में लोगों ने, हमारे कर्मचारियों ने पहले भी कार्यवाही कर रखी है और हर केस में जो है जा करके प्योर जारी हुए हैं, लोगों को जेल भी भेजे हैं। अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है मेरे सामने जिसमें मेरे को लगे कि कर्मचारियों ने उसमें पहले कार्यवाही न की हो। तो इनका कहना है कि कार्रवाई कर्मचारियों की ओर से नहीं की गई, ऐसा नहीं है, समय समय पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जो गांव वाले हैं वो कहते हैं कि फॉरेस्ट विभाग की मिलीभगत से ये पूरे अवैध कटाई का खेल चल रहा है। अब देखना होगा मौके पर पहुंच करके कि जमीनी हकीकत क्या है। नदी पार करके करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम हल्दी कछार पहुंचे, जिस जगह की शिकायत ग्रामीणों ने की थी, लेकिन यहाँ पहुँच कर जो देखा वो जितना चिंतनीय था उतना ही हैरान करने वाला था। कटे हुए पेड़ों की संख्या को देखकर चिंता हो रही थी तो हैरानी इस बात को लेकर हो रही थी कि हल्दी कछार में जिस वन प्रबंधन समिति की शिकायत ग्रामीणों ने की थी उसके तमाम सदस्य वहां पहले से ही मौजूद थे। रुपेश गुप्ता, हल्दी कछार, उदंती टाइगर रिजर्व, गरियाबंद।